एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है, ड्रेस डिजाइनर प्रीति वारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने बनाया है ये वाला डिजाइन जो कि आप देख रहे हो, काफ़ी प्यारा लगेगा, सिंपल सा है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना लोगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं बताने वाली हूँ। तो बोटनेक गले के साथ आप इसको ये वाला डिज़ाइन बना सकते हो और बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही ईजिली आप बना लोगे। देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट आप बहुत आसानी से बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टू लेयर कपड़ा ले लेना है, टू लेयर फोल्ड करना है, आगे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला अलग अलग कट करना है। आगे वाला आप सिंपल ब्लाउज की तरह कट कर सकते हो, मैं सिर्फ यहाँ पर बैक वाले पल्ले का डिज़ाइनिंग बता रही हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले आप डबल लेयर में अपने लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले लोगे। मैं यहाँ पे 15 इंच लंबाई रख रही हूँ ब्लाउज की और चौड़ाई 10 इंच रख रही हूँ, एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ ये 12 इंच का हो जाएगा। ओके, अब आपको जो आप ब्लाउज रेडी करना है तो आप अपने शोल्डर का माप ले लोगे, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक। तो मान लीजिए इसका 10 इंच फिटिंग है, तो यहाँ पर हम लोग 7.5 इंच तक बोटनेक में 7.5 इंच तक हम लोग शोल्डर लेंगे। और ज़्यादा जैसे कि आपका साइज 9 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 36 से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको आर्मोल 6.5 इंच रखना होता है। ओके, 6.5 इंच तक। ओके, ये हमारा फिटिंग है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है, 10 इंच फिटिंग है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। गुलाई के लिए आपको बैक पल्ले में 2 इंच पे यहाँ पर गुलाई देनी है। ओके, जब ज़्यादा थोड़ा हेल्दी लोगों के लिए कटिंग करते हो तो आपको ये वाला निशान 2 इंच का रखना है। अब आती है बारी डिजाइनिंग की, तो यहाँ से आप 3.5 इंच पे निशान लगाओगे मोटे लोगों के लिए, पतले लोगों के लिए आप 3 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हो। ये वाले गले की लंबाई हम लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर 4 इंच गले की लंबाई रखूँगी। यहाँ से 4 इंच रख लिया हमने और इसको सिंपली ऐसे मिला के राउंड नेक बना देंगे। ओके, राउंड नेक बना देंगे, इसको कट कर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से हम लोग कट कर लेंगे। बोट नेक रहता है या फिर कॉलर वाला रहता है तो आपको 1/2 इंच यहाँ पे इस तरीके से घटा देना होता है। ओके, तो इसको हम लोग सिंपली कट कर लेंगे। टक्स के लिए आपको यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है बैक पल्ले में और ऊपर से 11 इंच पर लेना है अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है। इसी तरीके से आप दोनों साइड निशान लगा दोगे। तो इस तरीके से आपने निशान लगा दिया है, अब इसको आप ओपन करोगे। ओके, ओपन करने के बाद से इसका निशान कुछ ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब आप इसको ओपन करोगे, मतलब ये टू लेयर्स में, जब इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके का आपका ब्लाउज का ये बैक पल्ला इस तरीके का कट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका ये वाला जितना भी बचा हुआ है उसके सेंटर में एक निशान लगा दोगे और यहाँ से आप 3 या 4 इंच पर एक निशान लगा दोगे। इसको कुछ इस तरीके से आप मिला दोगे। ओके, उसके बाद से आप एक या इसको कट कर दोगे, यहाँ से आप सिंपली कट कर दोगे। ओके, यहाँ से इसको कट करके दोनों पल्ले आपके अलग अलग हो जाएंगे। ओके, जब ये आप कट कर दोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। जैसे आपने इसको कट कर दिया तो आपका एक पल्ला तो ऐसे ही निकल गया। ओके, और एक पल्ला आपका यहाँ पे इस तरीके का निकलेगा। अब आपको चौड़ी चौड़ी कपड़े कट कर लेनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको 1-1 इंच का, जैसे इस तरीके से स्ट्रेट कपड़ा कट करोगे, 2 इंच चौड़ाई, इसका चौड़ाई 2 इंच रखोगे, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, क्योंकि खूब सारी इसमें बीच में हम लोग को इस टाइप के लगानी है। इसको इस तरीके से सिल के और इसको पलट लोगे, कपड़े को जब पलट लोगे इसको 2-2 इंच पे या 1.5-1.5 इंच पे आप छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरीके से, इस तरीके से खूब सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है। और इस पट्टियों को बीच से आप बांधोगे, जैसे धागा लगा के इसको बीच से सुई से इस तरीके से सुई लगा देनी है और इसको धागे को खींच के इसको बांध लोगे तो आप ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको खूब सारी ये जो आपने डोरी कट की है इसको उलट लेने के बाद से ये डबल लेयर में कपड़ा हो जाएगा। फिर सुई से आपको इस तरीके से बीच से इसको बांध लेना है, यहाँ पे इस तरीके से बांध के आपको इस तरीके की पट्टियाँ खूब सारी रेडी कर देनी है। और उसके बाद आप इसका जो आपने कट किया है इसके एक साइड पे आप ये पहले आप पलट के सिल लीजिएगा। आप इसमें चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो, किसी भी कलर का पाइपिंग लगा सकते हो। दोनों साइड आपने पाइपिंग लगा दी है, अब आप एक पल्ले में, जैसे हमारा ये वाला पल्ला है,
इस साइड वाला, तो इसके नीचे से इन पट्टियों को रखते जाओगे इस तरीके से और स्टिच करते जाओगे। ओके, जैसे ये पट्टियाँ हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दी है, तो पहले इसके नीचे रख के इस तरीके से लगा दोगे, फिर ये वाला इसके ऊपर रखोगे और इस तरीके से सिंपली चला लोगे सिलाई। इसके लिए ध्यान रखिएगा, आप ये जो साइड वाला हमने कट किया है इसमें पाइपिंग या फिर आप अस्तर वाला कपड़ा है तो इसको पलट लीजिएगा। ओके, उसके वजह से आप यहाँ पे आपकी पाइपिंग है या फिर आप पट्टी चाहो लेस चाहो तो लेस भी चढ़ा सकते हो और ये आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को मुझे समझाने का तरीका अच्छे से अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन पट्टियों को ध्यान से आप बना लीजिएगा, इसके ऊपर ही सारी डिज़ाइन डिपेंड करती है और ये आप कट करने के बाद से एक पल्ले के नीचे सारी पट्टियाँ ऐसे एक एक तरफ सिलाई चला लोगे, फिर दूसरी साइड वाला पल्ला इसी डिज़ाइन के ऊपर, जैसे एक साइड पहले इस साइड वाले पे इसको नीचे की तरफ रखोगे इस तरीके से और इस पर सिलाई चला दोगे, फिर दूसरा वाला पल्ला इस पर अटैच करके इस पर सिलाई चला लोगे। और आप चाहो तो इस पर साइड में लेस भी लगा सकते हो और पाइपिंग आपने पहले चढ़ा दिया तो आप इस तरीके से सिंपल भी छोड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।